ये टाइम मैनेजमेंट जिसके अंदर है, अगर टाइम मैनेजमेंट ये इम्पोर्टेंट था योर लाइफ, अगर आपके अंदर टाइम का वैल्यू नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है, तो सोच लीजिए कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, कितना भी हार्ड वर्क करते हैं, कितना भी नॉलेज है, आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। ये देखो मेरी उंगली ध्यान रखो, कभी भी अगर आपके अंदर में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो कोई भी काम में, चाहे घर का काम हो या ऑफिस का काम हो या देश का काम हो या कोई भी काम में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। देखिए आप घर से ही शुरू कर लो, आपको 9 बजे ड्यूटी जाना है, आप खुद 8:30 बजे उठोगे तो बीवी को ब्लेम करके क्या फायदा है। और हम बीवी की बात करते, घर वाली की बात करते, आपके हस्बैंड को 9 बजे जाना है और आप 8:30 बजे 8 मिनट उठोगे तो उसको क्या फ्रीडम दे पाओगी, क्या मतलब टिफिन बना पाओगी। तो घर से ही शुरू होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 9 बजे ट्रेन है, तो आप 8 बजे निकलोगे तो क्या प्लेटफार्म पर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, आपको बहुत सारा लॉस होना शुरू होता है। आप सपोज पहुंच भी गए तो आपके अंदर एक घबराहट रहेगी, आपके सामान मिसप्लेस होने का चांस रहेगा, और जब बोगी में जाओगे अपने सीट को पकड़ने जाओगे तो काफी लोग पहले से सामान आप अपना व्यवस्थित कर रहेंगे और आप उनसे मतलब इरिटेट हो गए और अलग तरीके से बात करोगे, तो जिस पूरे सफर में आप एक टेंशन में जाओगे। घर में भी आप जल्दी नहीं उठोगे, बच्चों पर चिल्लाओगे, जल्दी रेडी नहीं होगे, बीवी पर चिल्लाओगे, तो वहाँ का भी माहौल आप मतलब अशांत करोगे। तो सुकून आपको जब तक नहीं रहेगा तो आप तरक्की कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपका ऑफिस में टाइमिंग 9 बजे है, तो 9 बजे आप गेट पर एंट्री करोगे तो आप काम क्या करोगे? 9 बजे का टाइमिंग का मतलब होता है कि आप 9 बजे से पहले आप अपने जगह पर पहुंचना, वर्क प्लेस पर पहुंचना। मान लीजिए टाइमिंग आपका ट्रेन का 9 बजे है, तो खुलने का टाइमिंग है ना भाई, क्या है मतलब, तो ट्रेन जो है 9 बजे रन करने वाली है, सायरन मारने वाली है, तो आप 9 बजे है तो क्या 9 बजे जाके सीट पर बैठते हो? नहीं, उसी तरह से आपका वर्क प्लेस है, मशीन चलाना है, आप ऑपरेटर हो, कंपनी में ऑफिस में काम करते हो या ऑनर हो, आप 9 बजे एंट्री करोगे तो इसका मतलब आप 9:30 में काम करोगे और 9:10 में पहुँचते हो, 9:20 में पहुँचते हो, तो एक देख लीजिए आपका जो छोटा सा एक जो गैप है, ये आपके जिंदगी का 10-10 मिनट 365 दिन में कितने दिन होते हैं कैलकुलेट करो। 365 दिन में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितने घंटे लेते हुए 3,650 मिनट्स आप अपने लाइफ को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। कितना? 3,650 आवर्स जो है आप अपने लाइफ में पीछे चले गए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, डेली आप जाते हो, लेट जाते हो, गेट पर खड़े रहते हैं, टीचर का स्टिक मारता है, आप डिप्रेशन में आते हैं, बच्चे स्ट्रेस में उसी समय आना शुरू होते हैं। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके दिमाग में कभी उस बच्चे को इंटर नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल देख लो अपने बच्चे को जो डेली लेट आता है स्कूल में, जैसे बच्चे टीचर उसको खड़ा रहेगा, पनिशमेंट देगा, वो सारे दिन उसको ब्रेन में घूमते रहेगा, रिवर्स करते रहेगा, और वो बच्चा कभी भी अव्वल नंबर से पास नहीं हो सकता है। आप एग्जाम्पल देख लेना अपने पड़ोस में या खुद अपने बच्चों में। और जो बच्चा टाइम से पहले स्कूल में चला जाता है, प्रेयर में शामिल होता है, और तो वो जो बच्चा है नॉर्मल भी रहेगा तो अव्वल नंबर से पास करेगा, अच्छा मार्क लेकर जाता है। उसी तरह से देखिए कछुआ करके उस खरगोश की कहानी भी सुने होंगे कि टाइम मैनेजमेंट के वजह से कछुआ जो है आगे निकल जाता है, खरगोश पीछे रह जाता है। और
सभी कहानियां आपको सुने होंगे कि जब हम अपना फोकस रखते हैं तो हमको किसी की बातें नहीं सुनना चाहिए। एक कुएं में तीन मेंढक रहते हैं और एक उसमें बहरा रहता है और पानी कम हो जाता है, सब छलांग लगाते हैं, सब छलांग उसमें बाहर, गर्मी के दिन आता पानी कुएं कम हो जाता है, लेकिन सब एक दूसरे की बात सुन करके यार बाहर जाओगे तो मर जाओगे, बाहर जाओगे तो बाकी पांचों में से चार उलहरे तो मर जाते हैं, लेकिन जो बहरा रहता है वो छलांग लगाना बंद नहीं करता है और कुएं से बाहर निकल जाता है, फिर पानी के जगह पर पहुंच जाता है। उसी तरह से हमारा लाइफ है, कौन बात क्या बोलता है वो बहरा बन जाओ, फोकस पर जाना है। तो देखिए जिंदगी जो है सबको लेके चलने की जिंदगी नहीं होती है, आपको अपनी जिंदगी है, अपना डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि हमको किस में खुशी है, नहीं बहरे मेढक की तरह बनना पड़ेगा नहीं तो आप कोई मर जाओगे। कौन क्या करता है, कौन कितने बजे लेट आता है उसको फॉलो मत करो, आप कितना डेडिकेटेड काम करते हो, कितना टाइम मैनेजमेंट करते हो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी सबको पास 60-65 दिन है, सबके पास जिंदगी 60 साल की है, लेकिन वही 60 साल में कोई गधा ही रह जाता है और कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो जो बड़ा आदमी बना वो क्या किया होगा, और जो गधा रह गया जो काम कर रहा आज भी 60 साल का वही काम कर रहा, तो उसने टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट को नहीं समझा। तो टाइम इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। देखिए बीमारी सबको आती है और सब लोग बीमार होते हैं, खाना सभी लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए। तो टाइम जब तक आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।